राजस्थान के उदयपुर से बड़ा मामला सामने आया है। यहां एयर इंडिया का एक विमान हवाई हादसे का शिकार होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक विमान जब हवा में था तभी एक यात्री के मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ विमान में करीब 140 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट 470 ने उदयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद एक यात्री के मोबाइल की बैटरी अचानक फट गई, जिसके बाद विमान में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री घबरा गए। इसके बाद विमान के डबोक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को उतारा गया। हालांकि कुछ यात्रियों ने दोबारा इसी विमान में उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे विमान की तकनीकी जांच की गई, तब जाकर विमान को दोबारा दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक विमान में हुए इस हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट अपने तय समय दोपहर 1 बजे उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। हालांकि 10 मिनट बाद ही विमान में बैठे एक पैसेंजर की मोबाइल बैटरी तेज ब्लास्ट हो गई। आवाज़ सुनकर यात्री डर गए, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।